गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में एक गिरफ्तारी, सांगली में धरा गया समीर गायकवाड़। कोर्ट ने आरोपी गायकवाड़ को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सनातक संस्था से जुड़ा है गायकवाड़, पहली गिरफ्तारी। शिवसेना के खिलाफ पोस्टर वॉर, एक उत्तर भारतीय संगठन ने मातोश्री के बाहर ऑटो परमिट के नए नियम को लेकर लगाए पोस्टर। शिवसेना के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने मुंबई में ऑटो परमिट सिर्फ मराठी भाषियों को ही देने का किया ऐलान, इस फैसले के खिलाफ है उत्तर भारतीय ऑटो चालक। महाराष्ट्र में गंभीर हुआ पानी का संकट, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जलाशयों में क्षमता के मुकाबले सिर्फ 49% पानी। मराठवाड़ा की हालत सबसे ज्यादा नाजुक, वहां के जलाशयों में सिर्फ 8% पानी। सूखे से निपटने के लिए पानी के टैंकरों का सहारा, महाराष्ट्र के 1500 से ज्यादा गांव में करीब 2000 टैंकरों से हो रही है पानी की सप्लाई। पचास फीसदी से कम बारिश होने पर किसी इलाके को अकालग्रस्त घोषित कर सकती है महाराष्ट्र सरकार, कैबिनेट की अगली मीटिंग में लग सकती है प्रस्ताव पर मोहर। 25 और 28 सितंबर को ईद के दौरान बीफ बैन को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हुई 2 याचिकाएं। रेलवे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मनाई रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी सीनियर रेलवे अफसरों के साथ मिलकर सीएम ने लिया फैसला। मुंबई लोकल में अगले साल की शुरुआत से लगेंगे एसी कोच, मार्च 2018 तक बढ़ाई जाएंगी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। नासिक महाकुंभ में पानी में डूब रहे एक शख्स को बचाने के लिए ट्रेनी कांस्टेबल ने लगाई जान की बाजी, 20 फीट ऊंचे पुल से लगा दी छलांग। सिंचाई घोटाले की जांच कर रही एसीबी, अजीत पवार और सुनील तटकरे के जवाबों से नहीं है संतुष्ट, 21 और 22 सितंबर को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। सेंसेक्स ने बनाई अच्छी बढ़त, 258 अंक उछलकर 25,963 अंक पर बंद। निफ्टी पहुंचा 7900 के स्तर के पास, 70 अंक ऊपर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर पड़ा कमजोर, रुपए में 11 पैसे की गिरावट। सोने के दामों में गिरावट जारी, 10 ग्राम सोने का भाव 26,325। नागपुर में जोरों पर है गणेश चतुर्थी पर अनूठा प्रयोग, एक पंडाल में गणपति के साथ सेल्फी ले सकेंगे भक्त। यूएस ओपन में मिक्स डबल का खिताब जीतकर मुंबई लौटे टेनिस स्टार लियांडर पेस, एयरपोर्ट पर जमकर हुआ स्वागत। गणेश चतुर्थी से पहले लॉन्च हुआ बाजीराव मस्तानी का गाना, पुणे में रणवीर और दीपिका के साथ नाच पड़ा थानेदार। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या के 7 महीने बाद आज पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोल्हापुर और सांगली की पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत समीर गायकवाड़ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक समीर सनातन संस्था से जुड़ा हुआ है। इस दिन के लिए कोल्हापुर पुलिस 7 महीने से इंतजार कर रही थी। आखिरकार कोल्हापुर पुलिस ने सांगली में स्थानीय पुलिस की मदद से सीपीआई नेता गोविंद पानसरे कत्ल केस में एक आरोपी को दबोच लिया। पुलिस की गिरफ्त में आया ये आरोपी 32 साल का समीर विष्णु गायकवाड़ है। पुलिस के मुताबिक समीर और उसका परिवार दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़ा हुआ है। पानसरे के कत्ल में शुरू से ही इस संस्था पर उंगलियां उठ रही थी। एक संघटनामध्ये काम करतो, म्हणले काय त्यामध्ये आहेत ते सनातन संघटना आहेत, म्हणले काय त्यामध्ये हा काम करतो आणि त्यांच्या हा होल टायमर आहेत आणि यांची एक पत्नी जी आहे, जे सांगितलं की ते आश्रमामध्ये राहती गोवाला, आणखीन हा यांचे पूर्ण परिवार सनातनशी संबंधित आहे। 81 साल के पानसरे 16 फरवरी को
जब पत्नी के साथ कोल्हापुर के सागर माला इलाके में सुबह की सैर को निकले थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 20 फरवरी को पानसरे ने दम तोड़ दिया था। आज एक ये महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। 6 महीने के बाद कम से कम एक आशा हमको है कि जो गुनहगार है उनको हिरासत में लिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एविडेंस के बिना ये अरेस्ट नहीं हो सकती, तो एविडेंस के भी आधार पर ही अरेस्ट हुई है। पुलिस के मुताबिक कॉल डिटेल्स के जरिए वो समीर तक पहुंची। आरोपी समीर को कोल्हापुर कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 7 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। उधर सनातन संस्था ने पुलिस पर समीर को जबरन मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। और ये पुलिस की मोडस ऑपरेंडी है कि बिना उसको कोई वकील दिए, बिना घर के लोगों को इन्फॉर्म किए उसकी 7 दिन की उन्होंने कस्टडी ली है। तो हमारे मन में इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है कि अगले 7 दिन में उसको टॉर्चर किया जाएगा, कन्फेशन लेने की कोशिश की जाएगी। कॉमरेड गोविंद पानसरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने समीर गायकवाड़ को हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन हत्या के पीछे क्या वजह है उससे वो अभी भी अनजान है। सूत्रों की अगर माने तो पुलिस एक जानकारी पर काम कर रही है, जिसके चलते जल्द ही साफ हो सकता है कि इस हत्या के पीछे क्या वजह थी। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ मयूरेश गणपत की मुंबई आज तक। गणपति बप्पा मोरिया कल से अगले 10 दिनों तक पूरे मुंबई शहर में यही गूंज सुनाई देने वाली है। गणपति पंडालों की तैयारियां आज आखिरी दिन तक चलती रहीं, वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध पंडालों को लेकर आज काफी सख्ती दिखाई। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में एक से बढ़कर एक दिलचस्प गणपति प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। हर गणपति मंडल कुछ अनोखा करने की कोशिश करता है। इस बार लोअर परेल के हनी मिल कंपाउंड के गणपति बाहुबली वाले पोज में है। इस गणपति मंडल ने हेल्थ चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है। जैसे कि हम लोग बता सकते हैं, अभी ये जो बहुत बड़ी लेजेंडरी मूवी रिलीज हुई लास्ट टाइम बाहुबली की, तो उससे वो जो कंसेप्ट निकाला, जो बाहुबली ने अपना शिवलिंग जो था अपने कंधे पे लेके वो गए थे, वैसे हम लोग ने गणेश जी को हम लोग ने वैसे दिखाया कि वो शिवलिंग लेके जा रहे हैं। लालबाग के पास काला चौकी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने टेम्पल गेम की थीम पर अपने पंडाल में एक सेट बनाया है। हमारा हिस्सा 60 ईयर्स है, तो हम लोग 2 बरस से सोच रहे थे कि पब्लिक को कुछ अलग दिखाना है, कि अलग दिखाना है तो पब्लिक के जो पॉपुलर लोग रहते हैं, आजकल बच्चे जो टेम्पल रन जो खेलते हैं गेम पे, वो इतने पॉपुलर हो गए, तो हमें ऐसा लगा कि अगर ये बनाएंगे तो शायद अपना गणपति जरा फेमस हो जाएगा। हालांकि मुंबई में बहुत से ऐसे पंडाल हैं जो सड़क को घेरे हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार जो भी पंडाल सड़क पर बनता है या फिर जिससे आवाजाही में दिक्कत हो सकती है, वो पंडाल अवैध है। वहीं बीएमसी का कहना है कि शहर में एक भी पंडाल ऐसा नहीं जिससे सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत हो, और इसलिए कोई भी पंडाल अवैध नहीं है। जाने वो कौन सा मापदंड है जिसके अनुसार बीएमसी को लगता है कि शहर में कोई भी पंडाल अवैध नहीं, क्योंकि मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं यही एक पंडाल सड़क पे बना हुआ है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में सिर्फ एक अवैध पंडाल है जिसे मान्यता देने के लिए उसके कागजात देखे जा रहे हैं। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया गया कि ठाणे में सर्वे किए गए 350 में से 143 पंडाल अवैध है। नगरपालिका इन पंडालों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि काफी सारे पंडाल नेताओं के होते हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर अवैध पंडालों में गणपति प्रतिमाओं की स्थापना नहीं की गई है तो ऐसे पंडालों को गिरा दिया जाए। अगर प्रतिमा स्थापित हो गई है तो पंडालों को नगरपालिका नोटिस भेजे। ठाणे की नगरपालिका को 3 अक्टूबर तक उन सारे नेताओं की लिस्ट हाईकोर्ट को देनी है जो अवैध मंडलों से जुड़े हैं। सभी नगरपालिकाओं को अवैध पंडालों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट भी कोर्ट में देनी है। गणेशोत्सव के दौरान होने वाले शोरगुल को लेकर भी हाईकोर्ट काफी सख्त है। दहीहांडी के दौरान ध्वनि प्रदूषण कानून को खूब तोड़ा गया। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से उन पुलिस अधिकारियों के नाम मांगे हैं जो शिकायतें आने के बाद भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों को लागू नहीं करवा पाए। कमिश्नर को 3 अक्टूबर को कोर्ट को ये भी बताना है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। ठाणे से विक्रांत चौहान और मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ विद्या आज तक।
गणपति बाबा भी महाराष्ट्र के सूखे से अछूते नहीं रहे। सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित मराठवाड़ा के किसानों के साथ संवेदना जताने के लिए गौड़ सारस्वत मंडल ने फैसला किया है कि इस बार वो अपने गणपति को कोई नया आभूषण नहीं पहनाएंगे। सोने और चांदी की कीमतें गिरने से गणपति का बीमा भी कम रकम का हुआ है। इस साल गणपति पर भी अकाल का असर दिख रहा है। शहर के सबसे अमीर गौड़ सारस्वत मंडल के गणपति पर इस बार सोना चांदी या हीरा कुछ भी नहीं चढ़ाया जाएगा। यहां तक कि गणपति पर जो कैश चढ़ावे में आएगा उसे सूखा पीड़ितों को दान कर दिया जाएगा। साथ ही भक्तों को पानी बचाने का संदेश भी दिया जाएगा। जीएसबी गणपति मंडल का इंश्योरेंस इस बार 237 करोड़ रुपए का हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 22 करोड़ रुपए कम है। इस टाइम जब हम चीफ मिनिस्टर को मिलने गए थे आमंत्रण देने को, तो उन्होंने बोला महाराष्ट्र में दुष्काल है, आपका क्या इरादा है। तो हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि वी विल नॉट ऑफर न्यू ऑर्नामेंट्स टू द गॉड। ऐसा करने से क्या होता है, पब्लिक के साथ हम है, हम बम्बई में है लेकिन किसान हमारे गांव में है, जो 12 महीने जिनका गुजारा बरसात की वजह से होता है उनके लिए क्या करेंगे। हम बोला जरूर हम लोग अपील करेंगे। और हमने इधर कल ओत लिया है सेव वाटर। सुरक्षा के लिए जीएसबी मंडल में 400 प्राइवेट गार्ड तैनात रहेंगे। पंडाल के अंदर मोबाइल के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं लालबाग चराजा का बीमा इस बार 51 करोड़ रुपए का हुआ है। यहां भी सूखे की वजह से ज्यादा चमक दमक नहीं दिखेगी। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में इस साल गणेश उत्सव कुछ हद तक फीका रहेगा। किसानों का हाल देखते हुए मुंबई के कई गणेश मंडल न सिर्फ अपने चढ़ावे में कटौती कर रहे हैं बल्कि खुलकर पैसों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा में कहीं कोई कटौती नहीं होगी, बल्कि पूरी मुंबई में सभी गणेश मंडलों के आगे पीछे सुरक्षा चार चौबंद रहेगी। इस साल पहली बार लालबाग के राजा का विसर्जन का पूरा रूट सीसीटीवी कैमरे के अंदर कवर रहेगा। इस बार मुंबई में 600 से ज्यादा बड़े गणपति मंडलों में गणपति बैठाए जाएंगे। विसर्जन के लिए कुल 88 पॉइंट्स बनाए गए हैं। गुरुवार से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के लिए मुंबई पूरे उल्लास और भक्तिभाव के साथ तैयार है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।